بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलि सकलैन महबूबे रब्बिल मगरिबैन वल मशरिकैन जद्दिल हसन वल हुसैन अन्नबीयिल मुअय्यदल मुस्तफल अमजद सैयदना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وفى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صلوات محمد وعلى محمد صلى على محمد وعجل فرجه بزرگان ملت برادران ایمان मातम दारा ने शहीदा ने करबला अजादारा ने सैयदुश्शहदा मोहतरम नाजरीन आज शिया काउंसिल ऑफ मॉन्ट्रियल कनाडा की जानिब से मुनक़िद होने वाले अशरा मुबारक माह मुहर्रमुल हराम सन 1442 हिजरी के जिसके आज आठवें मरहले फिक्र में हम सब दाखिल हो रहे हैं और आपकी आला तरीन समातों के जरिए यह अशरे मुबारका दीन इस्लाम और शरीयत अंबिया के मौजू पर आपकी आला तरीन और मुशफ़िक़ाना और करीमाना समातों ने इस मंजिल तक पहुँचाया कि दुश्वार तरीन मराहिल को मुख्तसर से अवकात में एक फलसफियाना और मंतकी पहलू लिए हुए वो गुफ्तगू के जिसके अहदाफ में कुरान मजीद की आयात और तारीख और जो भी उलूम इसके लिए कार फरमा थे उन सब की तरफ अपने उलमाए ज़ीवकार के जिन्होंने अपनी मेहनत शाक्का से वरक़े किरतास और औराक़े किरतास पर जो है वो अपने जवाहिर पारे बिखेरे उन उलमाए किराम के तवस्सुस से जाहिर है कि बड़े मोहतरम हैं बड़े ही काबिल एहतराम हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया जाहिर है कि ये तमाम चीजें इनके अजीम तरीन मकसद को कि जो उन उलूम को कि जो सीना बसीना चलने के साथ साथ वरक बवरक सफर करते रहे उन उलमाए इकराम की मेहनत है शाखा जो है इसमें शामिल लिहाजा उन तमाम उलूम को कि जो अपने मौजू के लिए दरकार थे और अपने तालिब इल्माना और अपनी कमिलमी और बेबजाती के एतराफ के बावजूद भी उलूम आले मोहम्मद के जो हमारे मुफस्सरीन का हमारे मुअर्रखीन का हमारे मुहद्दिसीन का जिनका मदरक मकतब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है और अल्लाह ने जिन्हें तावील कुरान का हक दिया है अल्लाह ने जिन्हें इमाम मुबीन करार दिया है अल्लाह ने जिन्हें अख्तियारात तफवीज किए हैं अल्लाह ने जिन्हें उलूम का सरचश्मा करार दिया है पैगम्बर खत्मी मरतबत ने जिसे अपने इल्म का दरवाजा करार दिया है जब अक्ल लोखिरत इस दरवाजे पे पहुंच करके इक्तसाब फैज करती है तो जाहिर है कि वो गवास
मुफ्ती के जरिए वो इल्मी गुहर बारे लेकर के उभरती है कि जो पूरी कायनात के इल्मी तशनगी के लिए काफी और शाफी बन जाती। हमारे यहाँ आज वो कुतुब है मुतबरा के जो मिसालें बनी हुई है, खुदा की कसम अगर हम उलूम की वादियों में सैर करें और मुतालिया जाती वादियों से गुजर करके उन कुतुब तक अपनी रसाई करें जो बहमदिल्ला आज अगर ऑनलाइन ये मजालिस मुनक्किद होकर के किसी न किसी तरह हमारे समाते इल्मी की तस्कीन कर रही हैं, उसी तरह माना कि आज कागजात पर और औराक पर वो उलूम कम है और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी जो है वो राहों में ज्यादा रवा दवा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में मुकम्मल काम भी हुए हैं कि जहां बेपनाह कुतुबहाय मोतबरा को आज यहाँ पर फीड कर दिया गया है, जहां से जो चाहे हवाले ले सकता है, जहां से जो चाहे रेफरेंसेस हासिल कर सकता है, जहां से जो चाहे स्टडीज कर सकता है, ये तमाम सहूलतें जो है वो मौजूद है। बहरहाल अल्लाह ने हर दौर में हमारे जैसे तलबाए उलूम के लिए वो राहें हमवार की हैं। मसदूद तो उन जमानों में थी कि जब कैदो बंद के सोहबतें अख्तियार करके उलमा ने अपनी उंगलियां काट कर कुतुब तहरीर की हैं और जमाने तक अपनी कुर्बानियां देकर अपनी शहादतें देकर के उलूम आले मोहम्मद के दरिया बहाए हैं। इसीलिए उन तमाम उलमाए हक्का को हमेशा सलाम किया जाता है। उसमें कोई शहीद अव्वल है, कोई शहीद सानी है, कोई शहीद सालिस है, जगह जगह पर आज उन इल्मी राहों में मंजिल शहादत और जाम शहादत को नोश करके अगर वो आराम फरमा है और खिराज मिल रहा है तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के उन उलूम को आगे बढ़ाने की बुनियाद पर। जाहिर है कि एक तरफ इल्म है कि जो अक्ल व ज़हन की बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है और एक तरफ हिकमत आले मोहम्मद है जो सीना ब सीना आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि हिकमतें हर ज़हन तक नहीं पहुंच सकती, वह उन्हीं अजहान तक और उन्हीं दिलों तक उन्हीं कुलूब तक हिकमतें पहुंचती हैं कि जिन कुलूब को अल्लाह ने इसके लिए चुना है और उन कुलूब को अल्लाह ने पाक किया है। तो मोहतरम आज अपने आठवें मरहले फिक्र में दीन इस्लाम और शरीयत अंबिया के लिए उसी आए वाफी हिदायत को सरनामा सुखन करार दिया है कि जो रोजाना जिसकी तलावत का शरफ हासिल किया गया है। ये सूरत मुबारक शूरा की जो 42वां सूरा है कुरान हकीम का, क़िबला हमारे मौलाना इजमाल असगर नकवी साहब के जो उस दौर में के जब शियत में हुफाज का दूर दूर तक जो है वो पता ना होता था, उस दौर में आपने जो है वो हिफ्ज़ कुरान फरमाया था और बेहमदिल्ला इनकलाब ईरान के बाद फिर वो अतफाल भी नजर आए कि जो जिदारे हरम के करीब भी जो है वो अपने हिफ्ज़ कुरान का परचम इस तरह बुलंद करके आए कि दुनिया अंकुश बदंदा रही। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ अगर एक बच्चा हिफ्ज़ की मंजिल में गुजर जाए तो दुनिया को हैरान कर देता है। ये बताने के लिए कि उम्मत जो है उसकी रसाई हिफ्ज़ कुरान तक है और आले मोहम्मद जो है वो मुहाफिज़ कुरान बनाए गए, क्योंकि हिफ्ज़ कुरान का मालिक सरोतन की जुदाई के बाद कुरान खो देता है, लेकिन जो मुहाफिज़ कुरान होता है वो सरोतन की जुदाई के बाद भी नोके नैजा पर कुरान सुनाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नोके नैजा पर कुरान सुनाना एक एतबार से जहां पर मुहाफिज होने की अलामत थी, वहीं पर यह भी बताना था कि अगर दस्ते मूसा में आशा हो तो उसके लिए मोजजा उसी वक्त वो करार पाएगा कि जब जनाबे मूसा का हाथ हो, मोजजा उसी वक्त बनेगा कि जब ईसा का हाथ हो। अगर कुरान मोजजा है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि इस मोजजे के साथ साहिब मोजजा हर दौर में मौजूद रहेगा। कल मेरा नाना साहिब मोजजा था, फिर मेरा बाबा साहिब मोजजा था, आज मैं साहिब मोजजा हूँ। ये कुरान मोजजा तो है, उम्मत इसे मोजजा तस्लीम करती है, लेकिन उम्मत को यह भी मानना पड़ेगा कि जैसे असा जब तक दस्ते मूसा में न जाए उस वक्त तक मोजजा नहीं बनता, उसी तरह कुरान जब तक दस्ते रासिखून फिल इल्म में ना हो मोजजा नहीं है। उम्मत के लिए तो कुरान बैनत दफतैन एक शय है,
ये मौजज़ा दस्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद में करार दिया गया। यही वजह है कि तमाम मौजज़ाए गुज़श्ता को अल्लाह ने गुज़श्ता कुतुब की तरह, मैंने अर्ज किया था शरीयत अंबिया के मफहूम में ये बताया था कि अल्लाह ने जो अंबिया को जो कुतुब दी है वो मनसूख कर दी है, मगर उस पर ईमान रखना हमारे लिए फर्ज करार दिया गया है। वल्लज़ीन यूमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका मुस्तफा, मेरे साहिबान ईमान वो हैं, साहिबान तक़वा। अगर इब्तिदा से पढ़ा जाए, अलिफ लाम मीम से पढ़ा जाए, तो जो गुफ्तगू मुसलसल है हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन यूमिनूना, तो जो साहिबान ईमान और तक़वा की निशानियां बताई जा रही हैं उसमें ये आयतें मुसलसल चल रही हैं, जहां कहा जा रहा है अल्लज़ीन यूमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, यानी उस पर ईमान मेरे पैगंबर जो आप पे नाजिल हुआ है, और उन चीजों पे भी ईमान के जो इससे पहले नाजिल हुई है। तो हमें तौरात पे भी ईमान रखना है, जबूर पर भी ईमान रखना है, इंजील पर भी ईमान रखना है, मगर कुरान हमारा दस्तूर हयात है कि जिस पर अमल करना है। तो मकाम ईमान में गुज़श्ता किताबें भी शामिल हैं। अल्लाह ने क्यों शामिल करवाया? यही समझाने के लिए कि कुरान का मौजज़ा होना उसी वक्त समझ में आएगा जब तुम्हारी यह समझ में आ जाएगा कि गुज़श्ता मौजज़े मनसूख क्यों किए गए। मैं मुसलसल हूं अपनी गुफ्तगू से, गुज़श्ता मौजज़े अंबिया के जो साहिबान शरीयत अंबिया थे, जनाबे मूसा को मौजज़ा, जनाबे ईसा को मौजज़ा, उससे पहले भी अंबिया को मौजज़ा, क्योंकि तारीफ मौजज़ा में यह लिखा गया है कि जब अकवाम अंबिया से, उम्मते अंबिया से दलील के लिए कोई शय तलब करती थी तो अल्लाह मौजज़ा देता था। नबुवत व इमामत की दलील में जो चीजें पेश की जाएं उसका नाम मौजज़ा है, वरना हमारे यहाँ रोजमर्रा की गुफ्तगुओं में भी एक लफ्ज़ मौजज़ा आता है कि इंसान की बस छूट रही थी और इत्तफाक से वो पहुंच गया, 10 मिनट बस उसकी लेट थी, उसके बावजूद भी उसे मिल गई, तो उसने बातों बातों में कहा कि आज ये मौजज़ा हो गया। माफ कीजिएगा, तारीफ मौजज़ा बहुत बुलंद है। जाहिर है कि मासूम के अलावा कहीं से भी अगर खारिक-उल-आदात चीजों का इजहार हो रहा है तो उसे मौजज़ा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मौजज़े को अल्लाह ने जो है वो अंबिया और अइम्मा की दलीलों की बुनियाद पर पेश किया है, यानी खुदा की तौहीद, अपनी नबुवत, अपनी इमामत, शरीयत हक्का, इन तमाम चीजों के लिए खुदा की तरफ से भेजी हुई दलील को जो पेश करें उसे मौजज़ा कहा गया है। उसके अलावा बहुत सारे औलियाए कराम हैं, शहबाज कलंदर भी हैं वहां बैठे हुए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी हैं, क़िबला अजमाल असगर साहब, हमारे भाई जनाब जफर साहब शोराए कराम भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैंने कभी अर्ज किया था हमारे यहाँ एक मिसरे में कहा गया था लब खुले, ये मिसरे तरह था थी कि लब खुले जैनब के गुफे में कयामत आ गई, तो मैंने उसके एक शेर में अपने ही सलाम में ये बात अर्ज की थी कि ख्वाजा अजमेरी ने दर सर रखा दरे शब्बीर पर, ख्वाजा अजमेरी ने सर रखा दरे शब्बीर पर, मौजज़े से भीख लेने को करामत आ गई। तो ये करामत है कि खारिक-उल-आदात चीजें गैर मासूम वलियों के दरवाजों से जाहिर होती है, उसे मौजज़ा नहीं कहा जाता, उसे करामत कहा जाता है। मौजज़े की तारीफ और है, तो जाहिर है करामत और मौजज़े में क्या फर्क है? कहा करामत वो है कि जो दरे मौजज़ा पर कासा रख कर गदाई करके मासूम जो डाल दे और जमाने के सामने वो पेश करने लगे, तो है तो वो खुर्शीद मौजज़ा ही का परताव, मगर मौजज़ा मौजज़ा है, करामत करामत है। कि दुनिया चाहे जितने वली पेश करे, मगर अली को सैयदुल औलिया इसलिए बनाया कि सैयदुल औलिया और औलिया में फर्क यही है कि जमाना जितने भी वली पेश करेगा, अली इसलिए सैयदुल औलिया है कि अली साहिब मौजज़ा है और ये साहिब करामत। दरमियान में ये चीजें बहुत जरूरी थी, मौजज़े को मौजज़ा की तरह रखिए। जाहिर है कि करामत भी बहुत बड़ी शय है, मौजज़ा अजीम तरीन शय है, जैसे कुरान मौजज़ा इस दौर का मौजज़ा। मौजज़ा उसे कहते हैं कि इन जमाने की अक्ल
जो सबसे बुलंदी पे चल रही हो, जैसे आज नाम बिल गेट्स का लिया जा रहा है सॉफ्टवेयर की मंजिल में और दूसरे नाम लिए जा रहे हैं, ये कितनी भी बुलंदी पे चले जाए, नासा कितनी भी बुलंदी पे चला जाए, मरीख पे कमंदे गाड़ ले, लेकिन नासा जो है वो अभी भी अपने अक्ल के हदूद में चल रहा है। मगर कुरान उससे आगे है, जहां पर पेशानी रगड़ कर अक्ल इंसानी दम तोड़ दे, जहां फिक्र की रगे लहू गलने लगे, उससे आगे मोजजे की हदें शुरू होती। कि जनाबे मूसा को भी मोजजा दिया गया, वो मोजजा क्यों मनसूख कर दिया गया? इसलिए कि उस जमाने की जो अक्ल की रफ्तार थी, उस रफ्तार अक्ल के आगे मूसा का आसा था। लेकिन जब अल्लाह ने देखा कि वो अक्ल जो मैंने इंसान को बख्शी थी, अब वो मकाम जस्तजू में उससे आगे जा रही है, तो जैसे ही अक्ल आगे जाने लगी, अल्लाह ने उस मोजजे को मनसूख करके एक दूसरा मोजजा दिया, ताकि अक्ल पीछे रहे और शरीयत आगे रहे, नबुवत आगे रहे, इलाही पैगामात आगे रहे। इसलिए अल्लाह ने उन मोजजात को मनसूख कर दिया। कमाल दीन में कमाल अक्ल इस तरह पोशीदा है कि अब सुबह कयामत तक अक्ल इंसानी ये तरक्की करती रहेगी। लेकिन इस इर्तिकाई दौर में भी, जो आज सबसे बड़ा इल्म और टेक्नोलॉजी का सबसे बुलंदतरीन जमाना कहा जाता है, उस जमाने में भी कुरान आज भी आवाज दे रहा है कि नासा के जरिए मरीख पे कमंदे डालने वालों, इस बात पर गौर क्यों नहीं किया तुमने कि अल्लाह ने जो अपने नबी का सफर करवाया था, उसे कुरान का वाकया बनाने के लिए सफर नहीं करवाया था, बल्कि जो है वो कुरान के जरिए इसकी हकायत को बयान करके, मोजजे की वाकया मोजजा बयान करके अल्लाह ये बताना चाहता था कि जब तुम सरहदे कयामत के करीब आसमानों की सैर करते हुए हर सैयारे की तरफ अपनी मशीनें भेजने लगो, तब भी तुम्हें इस बात का एहसास रहे कि अभी भी तुम्हारी अक्ल और तुम्हारी मशीनें नीचे हैं और मोहम्मद के नक्शे पर आगे हैं। नक्शे और यही वजह है कि अल्लामा अकबाल ने कहा था, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफा से हमें, कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दू, अफलाक को आलमे बशरियत की जद में तो अल्लामा अकबाल ने बताया है। लिहाजा अल्लाह ने अपने नबी को मेराज तक ले जाके नबी का मोजजा नहीं कहा, इसलिए मोजजा नहीं कहा कि यहाँ तक रसाई बशर है, यानी बशर की रसाई की हदें अल्लाह बता करके ये बताना चाहता था कि कल जब तुम आसमानों की सैर करते हुए उन मंजिलों तक पहुंचो कि जो आफाकी रसाई की मंजिलें हैं, तो ये न कहो कि हम मोजजे से आगे निकल गए। नहीं, तुम मोजजे से आगे नहीं निकल सकते, इसलिए कि तुमसे पहले मेरे मुस्तफा के कदम वहां बहसियत बशर के गए हैं। और ये मोजजा पैगंबर का इसलिए नहीं है क्योंकि ये हदूद बशर को बयान किया जा रहा है, क्योंकि मुस्तफा के नूर की मेराज नहीं है, ये जिस्मे मुस्तफा की मेराज है। और जाहिर है कि नूर और जिस्म में, जैसा कि मैंने इब्तदाई मजालिस में भी रूह और जिस्म के फर्क को वाजे किया, जो मैंने ये भी किया कहा और कुरान मजीद की बारहा इस आयत को दोहराया, वद्दीन वज़्ज़ैतून वत्तूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लकद खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम। ये अहसन तक़वीम क्या है? ये बुलंदी से ली गई रूह और पस्ती से लिया गया मादे जिस्म, दोनों के तवासुन को अहसन तकवीम कहा गया। सुभानल्लाह सुभानल्लाह, ये अहसन तकवीम कहा गया। अब जब अहसन तकवीम पर निगाह डाली जाएगी, तो ये मादा जो जमीन से मिट्टी बन करके नुतफा, नुतफा से अलका, अलका से मुस्का, मुस्का से लहम, लहम से एजाम, एजाम से खलकन आखिर की मंजिल पर, ये जो मिट्टी का कमाल है, ये बशर बनाने के लिए मादे ने बुलंदी का सफर किया है, वरना रूह ने तो पस्ती का सफर किया है। तो एक लफ्ज यूं भी कहा जा सकता है कि अहसन तकवीम में जो इंसान की तखलीक पर अल्लाह ने फख्र किया है, वो उसकी रूह की तखलीक पर फख्र नहीं किया है, ये उसके जिस्म को बताया है, वरना रूह ने तो पस्ती का सफर किया है, मादे ने बुलंदी का सफर किया है। तो जैसे इंसान बनाने के लिए आलम अम्र से, आलम अरवाह से रूह चल करके
पस्ती की तरफ आती है इंसान साजी में, वैसे ही नूर ने पस्ती का सफर किया है मोहम्मद साजी में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप गौर फरमा रहे हैं, यानी नूर ने पस्ती का सफर किया। तो अब जाहिर है कि अगर नूर ही वापस मेराज पे जाए तो ये मेराज नहीं कहलाएगी, मेराज तो ये कहलाएगी कि वो नूर जो बुलंदी से आया था, उसने जो पैकर बशर ओढ़ा, उस पैकर को उस बुलंदी तक ले गया जहां से नूर आया था। तो मेराज पैगंबर ये है कि पैगंबर का नूर जमीन की पस्तियों को आसमान की बुलंदियों से मिला दे। तो अब मेराज बशर भी यही है कि अगर रूह बुलंदी से आई है तो अब जिस्म को इतनी बुलंदी तक ले जाए कि कमाल बशर का हुसूल हो जाए। मकसद तखलीक बशर कि अगर बशर की रूह ने पस्ती का सफर किया है तो पस्ती का सफर इसलिए किया है कि पस्तियों को बुलंदियां अता कर दे। यही वजह है कि इंसान सजदा करते हुए अपनी पेशानी को पस्तियों पे तो रखता है, लेकिन पस्ती पे पेशानी को रखकर अपने वजूद को इतना बुलंद कर लेता है, इतना बुलंद कर लेता है कि उसी इंसानियत की नुमाइंदगी करने वाला हुसैन जब करबला में अपनी पेशानी को सजदे में रखता है तो उसी फलसफे को कुदरत ने दोहराया, या ये तो हर नफ्सुल मुतमईना तुर्जेगी, ए इत्मीनाने नफ्स के मालिक पलट जा अपने रब की तरफ ताकि दुनिया ये देख ले कि अल्लाह ने पस्तियों को बुलंदी किस तरह अता की। सुभान अल्लाह। ये हमारे लिए लम्हात फिक्रिया है। तो अरबाब करम, अल्लाह ने हमारे लिए जो चीजें लाजिमा करार दी है उसमें एक चीज रूह है और एक चीज जिस्म है, और दोनों के इम्तिजाज को इंसान बनाया है। इसीलिए दोनों को आगे बढ़ाने के लिए जो कानून बनाया उसका नाम इस्लाम रखा, और कानून पर चलने के लिए जो रास्ता बनाया उसका नाम शरीयत रखा, और दोनों को मिलाया तो ये इस्लाम बन गया। यही वजह है कि अल्लाह ने बार बार इंसानी तखलीक पर जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कहीं पर कहा हलता अलल इंसान हीनु मिन दहर लम यकुन शयम मस्कुरा, याद करो क्या इंसानों पर एक ऐसा दौर भी नहीं गुजरा कि जब वो लम यकुन शयम मस्कुरा यानी किसी शय की सूरत में जिक्र किए जाने के काबिल नहीं था। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज, मैंने ही इंसान को नुत्फा अमशाज के जरिए खल्क किया। तो अब ये अल्लाह इस जरिए को जो पेश कर रहा है नुत्फा अमशाज कह करके, ये क्या बताना चाहता है? मालिक खालिक तो तू ही है। ये सारे सवाद आजम के मुसलमान जो आज तेरे अलावा किसी को मानने को तैयार नहीं है, ये बार बार तेरा कलमा पढ़ के तेरी ही बात करते हैं परवरदिगार, हत्ता कि ये शैतान मिजाज तो तेरे नबियों को भी मानने को तैयार नहीं है, तेरे अहले बैत को भी मानने को तैयार नहीं है। मेरे मालिक, जब तू ही खालिक था तो जरूरत क्या थी तू आदम की तरह से तमाम इंसानी आबादी को एक ही वक्त में बनवाता फरिश्तों के जरिए, और हर एक में उसी तरह रूह फूंक देता जैसे तूने आदम में रूह दाखिल की थी, सारी बस्तियां उठ करके खड़ी हो जाती। तो अल्लाह आवाज देगा कि मैंने जंगलों का कानून नहीं बनाना था, मैंने जुल्म का कानून नहीं बनाना था, मुझे वो कानून बनाना था कि जिस कानून के तहत इंसानी जिंदगियां और इंसानी आबादियां आगे बढ़ जाएं। अगर मैंने फकत और फकत स्टेच्यू बनाकर रूहें फूंक दी होती तो इंसान जमीन पर आंखें खोलते ही जंग जदल में आमादा हो जाता, हिर्सो हवस का ये बंदा एक दूसरे की जमीनों को कब्जा करने में लग जाता, कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म हो जाता। लिहाजा मैंने उसी मिट्टी को के जिससे आदम बनाया था, अब उस मिट्टी को मैंने मुंतकिल किया, नुत्फे की तरफ मुंतकिल किया ताकि उसको एक सुल्ब पिदर मिल जाए, और उसके बाद रहम की तरफ मुंतकिल किया ताकि मुस्तकिल एक माँ का वजूद मिल जाए। यानी पैदा करने के लिए भी माँ और बाप दोनों को जरूरी करार दिया, माँ भी बनाया बाप भी बनाया। कुरान ने माँ और बाप के उस रिश्ते का जो इश्तियारा पेश किया वो माँ और बाप तो नहीं कहा, उसे नुत्फा और अमशाज कहा। शरीयत ने जब रिश्ते पहचानवाए तो नुत्फा और अमशाज को हमारे लिए माँ और बाप करार दिया, और माँ और बाप इन दोनों को शरीयत ने बराबर के हकूक तफवीज किए, और इसीलिए
इनके लिए अरबी जबान में अरबी ग्रामर के एतबार से जो लफ्ज इस्तेमाल की वो लफ्ज ज़ौजैन कहा, वालिदैन कहा। ये ज़ौजैन, ये वालिदैन, ये क्या है? तो अब अरबी जानने वाले बेहतर जानते हैं कि जब दो बराबर के हम पल्ला रिश्ते या हम पल्ला शय बराबर की होकर के मिले तो उसके लिए तस्निया का सेगा इस्तेमाल होता है। जैसे माँ और बाप दोनों बराबर के रिश्ते हैं, दोनों बराबर के रिश्ते हैं, माँ भी और बाप भी, लिहाजा वालिद और वालिदा को मिला के वालिदैन। इसी तरह इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों बराबर के इमाम हैं, लिहाजा जब दोनों को मिलाया तो हसनैन कहा। यानी जब तक दोनों चीजें बराबर की ना हो जाए तब तक अरबी से गए तस्निया का उन पर इतलाक नहीं होता। इसी तरह जब कुरान और अहले बैत को पेश किया तो एक दोनों शक्ल है, शक्ल कहते हैं अरबिक में वजन को, और जब दोनों बराबर के वजन हो तो अरबी में सकलैन कहा जाता है। यानी अरबी दां और अरबी जानने वाला और अरबी ग्रामर का से शगफ रखने वाला जब ये जान लेगा कि ये लफ्ज सकलैन लिखा हुआ है तो उसे बताने की जरूरत नहीं होगी कि सकलैन के लिए दोनों बराबर के रिश्ते दरकार हैं। सकलैन का सीधा खुद बता रहा है कि ये सकलैन बनते ही नहीं जब तक बराबर के ना होते, ये हसनैन बनते ही नहीं जब तक बराबर के ना होते, ये वालिदैन बनते ही नहीं जब तक बराबर के ना होते। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक शख्स आया, मैं बहुत बड़ी मंजिल तक लाया हूँ यहाँ से दीन इस्लाम और शरीयत अंबिया के हवाले से ताकि इस मंजिल का भी इरफान हो सके। अल्लाह के रसूल की खिदमत में बड़ा मशहूर वाकया है, इसमें कोई इख्तलाफ मसलक भी नहीं है, सबने लिखा, सबने माना, सबके यहाँ बयान होता है कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक शख्स आया और आन करके कहता है अल्लाह के रसूल हम एक हैं जी, हमारे माँ बाप दो हैं, एक माँ है एक बाप है, और जाहिर है कि दोनों के साथ हुस्ने सलूक और दोनों की इताअत हमारे लिए लाजिम करार दे दी गई है, लिहाजा अगर एक ही वक्त में माँ भी किसी चीज को ऑर्डर कर दे और बाप भी किसी चीज को ऑर्डर कर दे तो जाहिर है कि हम तो देखते रह जाएंगे, हम पहले किसकी माने, पहले किसकी तस्लीम करें, पहले किसको फॉलो करें, पहले किसके ऑर्डर को तस्लीम करें। तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के कहा पहले माँ की मानो, फिर कहा माँ की, फिर कहा माँ की, ये तीन बार तकरार किया। शायर ने दस्ते अदब जोड़ के कहा अल्लाह के रसूल जब दोनों बराबर के रिश्ते हैं तो फिर ये पहले माँ की क्यों? तो एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के कहा कि बाप के मुकाबले में माँ ने तुम्हारे लिए कुर्बानियां ज्यादा दी है। कितनी बड़ी मंजिल है, यानी अब कुर्बानियों की बुनियाद पर दोनों रिश्तों में जिसके लिए कुर्बानियां ज्यादा होंगी, जो ज्यादा कुर्बान हुआ होगा उसकी पहले मानना पड़ेगा। अब अगर कुरान और अहले बैत भी बराबर का वजन है तो उम्मत को यह देखना पड़ेगा कि उम्मत के लिए कुर्बान कौन ज्यादा हुआ है। जैसे माँ बाप बराबर के रिश्ते हैं मगर माँ ममता की धड़कने लिए हुए अपने बच्चे के लिए वलियत का दर्जा रखती है, उसी तरह कुरान और अहले बैत बराबर के रिश्ते हैं मगर अहले बैत अपनी कुर्बानियों की बिना पर फौकियत का दर्जा रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी मंजिल है। अब आज दुनिया हमसे ये न पूछे कि ये हरदम अली अली और अहले बैत और आले रसूल और पंजतने पाक, ये इनके तस्करे हरदम क्यों? जाहिर है कि आप फितरत से अंदाजा कर लें कि आप अगर एक बार बाप कहते हैं तो चार बार माँ कहते हैं। घर की जरूरतों से लेके गुजर जाने तक ये एक फिक्र आपके जहन में रह जाए और इसे महफूज कर लें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब है, बराबर के रिश्ते हैं माँ और बाप, मगर अल्लाह के रसूल ने कुर्बानियों को देख के कहा कि जिसकी कुर्बानियां ज्यादा हैं उसकी तरफ पहले मुतवज्जे होना है, लिहाजा उन कुर्बानियों में कुर्बानी देने वाली हस्ती का नाम माँ है। और माँ और बाप ये दोनों ऐसे रिश्ते हैं, मैं आ गया इन तीन मजालिस में जिसकी आज एक तमाम हुई है, आठवीं मजलिस है, और कल मुझे दो दिनों में अपने इस मौजू को समेटते हुए मकसद मौजू को जो बयान करना है, जाहिर है कि आज यहाँ मजलिस को यह रुख अख्तियार करना था कि जहां मुझे ये कहना पड़ा कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये एक वबाई दौर है, एक वबाई जमाना। क्यों आती हैं वबाएं, क्यों आती हैं ये वबाएं? कभी हमने गौर किया
फिक्र किया, ये फकत वो मुनियाती समा आसमान के रास्ते बंद है। क्यों बंद हुए? वजाकतिल अर्ज, जमीन सिमट गई। सबब, आज वक्त नहीं रहा। फिर मैंने जब घड़ी की तरफ तवज्जो की कि मैं उस तरफ जा सकूं, मगर आज मैं ये बयान कर दूं कि कल इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा कि ये ऐसी वबाएं, ये चाहे कोरोना हो, चाहे वो ताउन हो, प्लेग रहा हो, या दूसरी बीमारियां जो गुज़श्ता सदियों में आई हैं, उसके असबाब क्या हैं, उसके सबब क्या हैं, ये कौन सी मंजिल पे बशरियत पहुंचती है कि जब खुदा बंदा आलम का आजाद इस तरह से आना शुरू होता है। याद रखिएगा, उनमें सबसे पहला आजाब, मैंने एक हदीस आपकी खिदमत में आज अर्ज कर दूं कि मौलाए कायनात ने फरमाया के अऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ुनूब अल्लती तुअज्जिलुल फना, मैं अल्लाह की बारगाह में पनाह चाहता हूं उन गुनाहों से कि जो इंसान को जल्दी मार डालते। इससे आप अंदाजा करें कि इंसान जल्दी मरने का मुस्तहिक कब बन जाता है, जबकि जल्दी की अगर ताजील की लफ्जाई है तो ये तस्लीम करना पड़ेगा कि उसकी उम्र कुछ और थी और अपने मुय्यना उम्र से पहले वो मर गया। क्यों मरता है? इसीलिए मासूमीन ने गुनाहों को खुदकुशी से भी ताबीर किया है। यही वजह है कि अली अलैहिस्सलाम को उनका इमाम करार दिया है कि जो नेकुकार नहीं बल्कि गुनाहों से बचने वाले हैं। ये नहीं कहा कि अली जो है वो आबिदों का इमाम है, नहीं, इमामुल मुत्तकीन, अली मुत्तकियों का इमाम है। और मुत्तकी उसे कहते हैं जो अपने आप को गुनाहों से बचाने का हुनर जानता है। यही वजह है कि अल्लाह के शायर को भी दिलों का तकवा करार दिया गया। वो शायर अल्लाह, जिसने अल्लाह के शायर की ताजीम की गोया उसने दिलों का तकवा हासिल किया। अब ये आजादारी सैयदुश्शोहदा क्या है? ये शायर अल्लाह की ताजीम है। अगर नहीं समझ में आता आलम इस्लाम को तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो सिर्फ और सिर्फ ख्वाब था उसका नाम इब्राहिम था, जब इब्राहिम के बेटे के बदले में आने वाले दुम्बे के गले की रस्सी की ताजीम करना और उसकी अगर शबीह भी बनकर आ जा जाए दुम्बा हमारे घरों में खरीद कर, तो उस रस्सी की ताजीम करना भी तक्वाए खुलूक का सबब है। तो वो जुलजना जो करबला के मैदान में हुसैन जिस पे सवार हुए, वो तो रसूल की भी सवारी है, वो तो अली की भी सवारी रहा है, वो तो हसन की भी सवारी रहा है। लिहाजा उस जुलजना की ताजीम भी शायरुल्लाह में है और शायरुल्लाह तक्वाए कुलूब है। यही वजह है कि करबला में रहवार और एक रहवार वो है कि जिसे कासिम का रहवार कहा जाता है, जिस पर जनाब कासिम सवार हुए थे, जिस पर बड़े अहतमाम से सैयदुश्शोहदा हुसैन इब्ने अली ने जनाब कासिम को सवार किया था। तारीख कहती है कि कमसिनी और ये सवारी दोनों का ये आलम था कि जनाब कासिम के पांव रिकाब तक नहीं पहुंचते थे, रकाब फरस तक जनाब कासिम के पांव नहीं पहुंचे थे, मगर अल्लाह रे नुसरत हुसैन का जो शबाब उमड़ा हुआ था जनाब कासिम पर, जनाब सरवर नवाब सरवर ने हमारे नौजवान नाजिम मजलिस जो इस वक्त तशरीफ फरमा है, शेरो शगफ से दिलचस्पी रखते हैं, जाहिर है कि जब मैंने फरहंगे जोश मलिहाबादी पढ़ा तो जोश मलिहाबादी ने उस फरहंग में मासूम हस्तियों के उर्दू में बहुत सारे ऐसे अलकाब क्रिएट किए हैं कि जो अलकाब दूसरी जबानों में नहीं मिलते हैं, मगर ये उर्दू का कमाल था और जोश की मारिफत थी कि जोश ने अपनी इन शाइया तरकीबात के साथ ऐसे अलकाब वजा किए हैं। जनाबे सरवर नवाब सरवर हमारे लखनऊ से बेहतरीन शुआरा में हैं और खास तौर पर कसीदों के शायर कहलाते हैं। उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में जनाबे कासिम अलैहिस्सलाम के लिए एक लफ्ज का क्रिएशन जो किया है, ये उर्दू अदब में मादूदे कहीं पे दिखाई देगा। वो फरमाते हैं, मैं एक कलाम यहाँ पर बहुत से शोराए कराम का है कि जैसे खादिम शब्बीर ने कहा, महफिलों में बैठ कर हंसना हंसाना और है, तीर